स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने मंडी में जिला के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से बचाव को लेकर उठाए कदमों की समीक्षा की और कोविड-19 की स्थिति व महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा लिया। उपायुक्त कार्यालय जिला मंडी में आला अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में सभी को कोरोना के तहत बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। राजीव सैजल ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दवा और वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं की गई है। महामारी से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी मास्क जरूर पहने और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहे, साथ ही सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें। है अभी एक डॉक्टर को यहाँ डिप्लॉय जो है वो किया गया है, लेकिन शीघ्र जो है इसके लिए कोई परमानेंट व्यवस्था जो है हम करने का विचार कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक पूर्णकालिक रेडियोलॉजिस्ट जो है दोनों हॉस्पिटल मंडी को मिल जाए, या फिर हर व्यक्ति को तो होना ही है, इसलिए जो है कोई डरने की बात नहीं है। तो ये दोनों प्रकार की सोच जो है मैं कहना चाहता हूँ बहुत घातक है। किसी व्यक्ति को हो जाता है, वो अपने परिवार में जब जाता है तो उसके परिवार में बच्चे भी हैं, गर्भवती महिला भी उसके परिवार में हो सकती है, कोई बीमार व्यक्ति भी उसके परिवार में हो सकता है, बुजुर्ग भी उसके परिवार में हो सकता है जिसको और भी कई सेहत संबंधी समस्याएं हैं, तो उनका जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आज आप सभी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये संदेश मैं यहाँ से देना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ बचा सकती है, और ये बढ़ता हुआ ग्राफ जो है ये लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर ये ग्राफ नीचे आ सकता है तो वो तीन चीज़ों के प्रयोग से ही हो सकता है। उसमें आवश्यक तौर पर मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार याद रहे कर रहे हैं 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी है, और 100% सैनिटाइजर का प्रयोग। अगर हम सावधान रहेंगे और अगर हम जागरूक रहेंगे और नियम के तौर पर सुबह उठ करके पहला काम अगर करना है तो ये स्मरण करना है कि अगर आज बाहर जाऊँगा, आज अन्य लोगों से संपर्क करूंगा और परिवार में भी अगर रहूंगा तो भी मेरे को जो है ये 3 नियमों का जो है आवश्यक तौर पर हमको पालन करना है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है न्याय सभागार में हुई और कोविड इस जो एक वैश्विक चुनौती है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, हमारा देश और प्रदेश जो है जिससे जूझ रहा है, तो सारे व्यवस्थाओं की समीक्षा जो है इस बैठक में हमने की है और बहुत हर्ष के साथ मुझे ये सूचित मैं कर रहा हूँ कि सारी व्यवस्थाएं जो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से संपूर्ण जिले के अंदर जो है चली हैं। अब हम सब जानते हैं कि पूरा देश जो है वो खुल चुका है और हमारा प्रदेश भी जो है अब सारे प्रतिबंध जो हैं जो आने में जिस प्रकार की पहले रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और सारा जो जिस प्रकार से होता था वो सारे प्रतिबंध जो है वो हट चुके हैं, क्योंकि आर्थिकी और अस्तित्व ये सारा जो है उसको भी बचाने का जो प्रश्न है, लोगों की आजीविका है, लोगों का अस्तित्व है। मुझे लगता है कि अब हमको जो है और भी ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। मैंने निर्णय किया है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जाकर के प्रदेश के हर जिले में इस प्रकार की बैठकों का हम आयोजन करें और सामान्य मुख्यमंत्री जी का भी जो है यही निर्देश है, उनका ये संदेश है कि हर व्यक्ति को जो है अब इस मुहिम में जो है वो खड़े होना है। कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है, और जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के उनका ये मानना है कि अगर कोई चीज, अगर कोई नियम, अगर कोई दवा है तो वो 3 नियम निर्विवाद रूप से, उसमें जो है वो मास्क का प्रयोग है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग है और उसमें सोप और सैनिटाइजर का प्रयोग है अपने हाथों को, अपने शरीर को विषाणु मुक्त करने के लिए। तो ये 3 जो नियम हैं इनका इनका प्रयोग जो है वो हर व्यक्ति जो है करने के लिए संकल्पित हो, हर व्यक्ति तक ये संदेश जाए कि ये 3 अगर हम नियमों का पालन करेंगे तभी हम इस रोग से बच सकते हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल प्रदेश के सभी जिला के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से बचाव को लेकर उठाए कदमों की समीक्षा करेंगे और कोविड-19 की स्थिति व महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जायजा भी लेंगे।